शहनशाह अकबर को गुस्सा जल्दी आता था और अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाता तो कभी कभार छोटी सी गलती पर बड़ी सजा दे देते थे। बीरबल ये जानते थे और सिर्फ वो ही शहनशाह के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन जी जहांपनाह, आदाब। हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का यह रंग किसने चुना है? क्या हुआ तुम्हें? तुम जवाब क्यों नहीं देते? अल्फाज नहीं मिल रहे? जहांपनाह, यह रंग आप ही ने चुना था। तुम्हारी यह जरूरत? हम ऐसा रंग चुन ही नहीं सकते और तुम हमसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? अब जाओ और उसे लेकर आओ जिसने इस कमरे को रंगा है। जी 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 जहांपनाह, माफ कीजिएगा मुझे, मैं अभी जाके उसे ले आता हूँ। आदाब जहांपनाह। ओ, तो आ गए तुम। जहांपनाह, कोई गलती हुई है क्या? गलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? याकूब जहांपनाह। याकूब? तो तुम्हें अपना नाम पता है, तुम मेरी जबान समझते हो, तो तुम सीधी सीधी बातें भी समझ सकते हो। हुजूर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूँ। क्या फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ हमें, हम जानना चाहते हैं। हुजूर, अगर आपको अब ये रंग पसंद नहीं तो मैं सारी रात काम करके ये रंग बदल दूंगा। हमें ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बेहद घटिया रंग है। हमें इस तरह इतना गुस्सा कभी नहीं आता अगर ठीक से तुम हमारा कहना मानते। मुझे माफ कीजिएगा हुजूर। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, अपने सारे रंग हमें दिखाओ और हम बताएंगे कि कौन सा रंग चाहिए। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें वो सारे रंग पीने होंगे। हमें ये रंग चाहिए, तुम्हें याद रहेगा? अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, समझ गया हुजूर, मैं अभी काम शुरू करके कल तक खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या? सिपाही, सिपाही! जी जहांपनाह। जाओ उस रंगरेज को लेकर आओ, जाओ, यूं खड़े मत रहो। आदाब जहांपनाह, आदाब। जाओ अपने सारे रंग लेकर तुरंत आओ। माफ कीजिएगा हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा हुजूर। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? सुनो जहांपनाह अभी काफी गुस्से में हैं और अगर उन्होंने पहले कहा है तो वो तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे। रंग पीने को? हाँ, रंग पीने को। लेकिन घबराओ नहीं, जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। जहांपनाह,
मैं अपने सारे रंग साथ लाया हूँ। क्या मैंने तुम्हें ये रंग लगाने को नहीं कहा था? जी जहांपनाह। जी हुजूर, तो फिर तुमने ये रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये कैसे याद रहेगा। एक बार ये रंग पियोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। रंग पियूंगा जहांपनाह? हाँ पियोगे। चलो उठाओ इस मटके को और पियो, और तब तक मत रुकना जब तक कि हम न कहें। रुको, ये रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि यही रंग लेकर तुम इन दीवारों को अच्छी तरह से रंग दो। जी जहांपनाह, शुक्रिया जहांपनाह। अब कोई गलती नहीं होगी जहांपनाह। शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया। इतना रंग पीने के बाद अब ये शायद 2-3 दिनों तक बीमार रहेगा। ये कैसे हो सकता है? इतना सारा रंग पीने के बाद यह काम पर कैसे आया? इसे तो बीमार होना चाहिए था। सुनो, तुम आज अपना काम खत्म करने वाले थे, लेकिन तुमने तो अब तक पुराना रंग भी नहीं उतारा। जाओ और अपने रंग लेकर आओ। अभी मुझे राजा बीरबल कहां मिलेंगे? शाही बाग में जाके ढूंढो, शाम के वक्त वो वहीं रहते हैं। आदाब हुजूर, मुझे आपकी मदद चाहिए। शहंशाह अकबर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फिर रंग लाने का कहा है। अब मैं क्या करूंगा हुजूर? घबराओ मत, ऐसा करो। जहांपनाह, मैं अपने रंग ले आया। ठीक है, अब हम तुम्हें दोगुनी सजा देंगे। आज तुम 2 रंग पियोगे, ये और ये। रुको, ये काफी है। रंग का ये मटका मुझे दो। क्या ये तो शरबत है? तुम्हारी ये मजाल, हमें बेवकूफ बनाना चाहा? बोलो, ये तरकीब किसने बताई? मैंने कहा हुजूर। हमें समझ जाना चाहिए था बीरबल, ये तुम ही हो सकते हो। तभी इसने रंग लाने में इतनी देर लगा दी, कल भी और आज भी। पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूंगा? हुजूर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे रसोई घर से हर मटके में अलग अलग रंगों के शरबत भरने को कहा। बहुत खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर इस आदमी की जान बचाई है। शाबाश बीरबल, और गुस्से में आकर एक और गलती करने से मुझे रोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम, इस बार तुम कोई भी गलती मत करना, वरना बीरबल भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। और फिर इस दौरान
तुम्हारी परेशानी के एवज में आज की रात दावत में तुम भी शामिल होना। शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया।